वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और हमने हिस्ट्री के सेशन में हरप्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस वर्शिप और बिलीव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हम आइडोलेट्री पे पहुंच गए थे और हमने ये जाना था कि उस टाइम पे टेंपल का कोई भी एविडेंस जो है नहीं प्राप्त हुआ। क्या टेंपल का आपका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि मंदिर होते थे या फिर मॉस्क, किसी भी तरीके की वर्शिप टेम्पल की नहीं मिली है, ठीक। बट आपके बहुत सारे जो है बेदियां, फायर एल्टर्स, एनिमल के बोन्स, हॉर्न्स, एशेस, जो कि किस चीज़ के प्रतीक हैं, सैक्रिफाइजेस के, एनिमल सैक्रिफाइजेस के, यज्ञ के, इन सारी चीज़ों के प्रतीक जो है, उन सारी चीज़ों का जो है एविडेंस मिला है कहाँ से? लोथल से, जो कि गुजरात में, कालीबंगा जो कि राजस्थान में, ठीक है। इनसे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो है तब यज्ञ और सूर्य की वर्शिप, सन वर्शिप और यजना बहुत ज़्यादा प्रमुख थे हमारे वर्शिप बिलीव्स में राजस्थान और गुजरात में। अब सन की वर्शिप को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक एविडेंस हैज बीन फाउंड ऑन सील्स, पेंटिंग एंड पॉटरी रिसीव्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वास्तिक सिंबल, जो हमारा स्वास्तिक सिंबल होता है, वो सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि कहाँ से डिराइव हुआ है या हमें कहाँ से उसके बारे में पता चला। तो आपको हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्वास्तिक सिंबल के बारे में पता चला, ठीक है। कहाँ पे मिला स्वास्तिक सिंबल? जो आपके सील्स थे, पेंटिंग्स थे, पॉटरीज जो हमने मोहनजोदारो से हमें मिली है, उस पे ये स्वास्तिक सिंबल बना होता था। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड अमंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स। इट इज रिलेटेड टू सन वर्शिप। अब ये बहुत पवित्र माना गया किन किन धर्मों में? हिंदुओं में, बुद्धिज्म में और जैन्स में, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये सूर्य के वर्शिप से, सन वर्शिप से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। तो स्वास्तिक सिंबल आपका कब फाउंड हुआ है, कहाँ से उसका एविडेंस मिलता है? आपका इंडस सिविलाइजेशन से मिलता है। कौन सी साइड से मिलता है? मोहनजोदारो, वहां से जो आपकी पेंटिंग्स हैं, पॉटरीज हैं, सील्स हैं, वहां से मिलता है, ठीक है। किन जो है धर्मों में प्रमुख माना गया? तो हिंदुओं में, बुद्धिज्म और जैनिज्म। किस वर्शिप, किस गॉड की वर्शिप के लिए? सन की वर्शिप के लिए। अब बिलीव्स इन घोस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ एम्यूलेट्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। इट इज एस्टिमेटेड दैट दे बिलीव इन घोस्ट एंड विचक्राफ्ट। अब ये बहुत ज्यादा एम्यूलेट्स मिले कहाँ से? आपके इंडस सिविलाइजेशन से। तो ये बिलीव किया जाता है कि तब वो घोस्ट और विचक्राफ्ट या फिर हम कहेंगे कि काला जादू, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। तो बिलीव इन घोस्ट जो है और ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन में भी प्रेजेंट थी, ठीक। अब आ जाते हैं फ्यूनरल राइट्स पे। फ्यूनरल राइट्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कन्फर्म देयर बिलीव इन देयर हियर आफ्टर लाइफ। मतलब जो उनके फ्यूनरल के तरीके थे, ठीक है, जो उनके अंतिम संस्कार के तरीके थे, उससे हम ये पूरे अच्छे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में बिलीव करते थे या पुनर्जन्म में भी बिलीव करते थे, ठीक है। हियर आफ्टर लाइफ में उनका बिलीव था, ठीक। थ्री मेथड्स ऑफ फ्यूनरल राइट्स वेयर इन वो, तीन तरह के जो है फ्यूनरल राइट्स जो है तब बहुत प्रमुख थे। फुल बरियल, पार्शल बरियल और क्रिमेशन, ठीक है। एक पूरा बरियल, पूरा दफनाना, एक पार्शियल बरियल। पार्शियल बरियल में क्या होता था? पहले लाश को रख दिया जाता था, उसको चील, कौवे, ये सारे जानवर, पशु पक्षी खा लेते थे, फिर बचा हुआ जो है पार्ट, वो जो है बरी कर दिया जाता था या उसे फिर दफनाया जाता था, ठीक है। उसे कहते थे पार्शियल बरियल। फिर आ जाता पर क्रिमेशन, जलाना, ठीक है। सिमेट्रीज वे बिल्ट ऑन द बिल्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सिटी के जो है दूर बाहरी इलाके में जो है आपका शमशान, मतलब वहां पे उस समय शमशान स्थित हुआ करता था, ठीक है। ये था आपका पूरा आइडोलेट्री का पार्ट। अब आ जाते हैं कि हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन का फॉल क्यों हुआ, ठीक है, या फिर वो खत्म क्यों हुआ। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में ये माना जाता है कि जब आर्यंस आए, उनके इन्वेजन द्वारा जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ, या फिर जो हमारा ज्योग्राफिकल चेंज आया, ठीक है, उसकी वजह से हुआ। क्लाइमेटिक चेंज, जो आपकी बाढ़ आई है, बहुत सारे, देखिए एनवायरनमेंट में चेंज आते ही रहते हैं, त्रासदी आती ही रहती है, प्रकृति अपना रूप बदलती ही रहती है। तो ये सब वन ऑफ द रीजन माना गया हमारा किसका, हरप्पन सिविलाइजेशन के फॉल का, ठीक है। पहला क्या है आपका? पहला है फ्लड। फ्लड इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। जो बाढ़ है उसे हम मेन रीजन मानते हैं किसका,
डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कभी भी आपसे मेन रीजन करके पूछेगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको फ्लड मार्क करना है। मार्शल गेव मोहनजोदारो मैके एंड चानू एंड एस आर राव चानू दारो एंड एस आर राव हैज सेड दैट फ्लड इज द मेन रीजन फॉर लोथल डाउनफॉल। मार्शल गेव मोहनजोदारो। अब मार्शल ने क्या किया, मोहनजोदारो के बारे में बोला, मैके ने चानू दारो के बारे में बोला, और एस आर राव ने किसके बारे में बोला, एस आर राव ने कहा कि लोथल के डाउनफॉल का मेन रीजन क्या था, फ्लड था। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं मोहनजोदारो चानू दारो लोथल इन सबके डाउनफॉल का अगर मेन रीजन आपका फ्लड है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन के भी डाउनफॉल का रीजन आपका फ्लड ही है। ठीक। अब इन्वेशन ऑफ आर्यंस, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मैके, पिगेट एक्सेट्रा, मतलब बड़े बड़े भी जो है जितने आपके स्कॉलर्स आर्कोलॉजिस्ट रहे हैं जो है हर आपकी हिस्ट्री के, वो क्या कंसिडर करते हैं कि ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ द आर्यंस। अब डिक्लाइन आपका हरप्पा सिविलाइजेशन का क्यों हुआ है, आर्यंस के आने से। आर्यन का जब आगमन हुआ है तब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा। ठीक है। इन सब्सटेंशिएट हिज ओपिनियन, ही हैज मेंशन द मेल स्केलेटन्स रिसीव्ड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड मेंशन्ड ऑफ इंद्र द गॉड ऑफ ऋग्वेद एज अ फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर। अब इसके अपने ओपिनियन को थोड़ा सा जो है मदद देते हुए या उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए मैके ने क्या अनुमान लगाया कि जो स्केलेटन्स, जो मेन स्केलेटन्स मिले हैं आपके मोहनजोदारो से, ठीक है, तो उसमें क्या अनुमान लगाया गया कि इंद्र द गॉड ऑफ ऋग्वेदा क्या है, फोर्टिस, वो डिस्ट्रॉयर है फोर्ट्स के। ठीक है। फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर है कौन, इंद्र द गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है। ये थोड़ा सा अनुमान लगाया गया मेल स्केलेटन्स जो आपके मोहनजोदारो से मिले हैं उसको देखते हुए। अब क्लाइमेट चेंज आ जाता है, फिर स्कॉलर्स लाइक ऑरल स्टाइन, अलमानंद घोष, इन लोगों ने क्या कंसिडर किया, जो क्लाइमेटिक चेंज आता है वो आपका मेजर जो है रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। जियोग्राफिक चेंज भी आता है। ठीक है। मेनी स्कॉलर्स जो है वो ये कहता है कि ये वन ऑफ द रीजन है आपके चेंज का, किसका, कौन सा, जियोमॉर्फिक चेंज जो आपका आता है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजन है। डेडलॉक इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड्स, इन 1995 WF एल्ब्राइट एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑफ मेसोपोटामिया द एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज बिलीव टू बी अराउंड 750 BC। आफ्टर 2000 BC साइंस ऑफ रूरल कल्चर वेयर बिगनिंग टू अपियर इन द इंडस सिविलाइजेशन विच शोज दैट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैज स्टार्टेड टू फॉल्टर। अब क्योंकि फॉरन ट्रेड बहुत ज्यादा डेडलॉक था, हो नहीं पा रहा था, तो ये देखा गया कि अराउंड 1750 BC आपका जो है इंडस सिविलाइजेशन जो है वो एंड होने लगा। और 2000 BC के बाद क्या देखा गया कि आपका रूलर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ चुका है ट्रेड में। ठीक है। रूलर कल्चर आ चुका है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या माना गया, इससे क्या माना गया कि वो डिग्रेड होने लगा। ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन माना जाने लगा आपका डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन कल्चर। ठीक है। आगे इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।